छात्रों को गोली लगने की घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसएसपी, बताया गोली मारने वाले आरोपी भी है स्कूल के ही छात्र। मुख्यमंत्री कार्यालय ने तलब की रिपोर्ट। आपको बता दें कोतवाली क्षेत्र के गांव भायला में स्थित इंटर कॉलेज में दो छात्रों को गोली मारकर घायल किए जाने की घटना के बाद मौके पर एसएसपी विपिन टाडा पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित करके निर्देशित किए हैं और बताया कि गोली मारने वाले आरोपी भी कॉलेज के ही छात्र हैं। वहीं पीड़ित छात्रों के परिजनों ने तहरीर पर मुकदमा कायम कर लिया गया है। शनिवार की सुबह कोतवाली इलाके के गांव भायला में स्थित इंटर कॉलेज के दो छात्रों को अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने मुआयना करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित करके आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि गोली चलाने वाले आरोपी भी कॉलेज के ही छात्र हैं और आपसी रंजिश के चलते उन्होंने छात्रों को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। बताया कि एक छात्र की पीठ जबकि दूसरे छात्र की टांग में गोली लगी है। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं और खतरे से बाहर हैं। उन्होंने बताया कि पीड़ित छात्रों की परिजनों की तहरीर पर आरोपी खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि छात्रों की क्या प्लानिंग थी और उनके पास हथियार कहां से आए, इसकी भी जांच की जा रही है। एसएसपी ने स्कूल के प्रबंध तंत्र से भी घटना के संबंध में जानकारी ली। स्कूल में गोली चलाने वाले के मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय से रिपोर्ट तलब की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की गई हैं। एसओजी और स्थानीय पुलिस की टीम को भी गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। एसपी सिटी सहारनपुर के नेतृत्व में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। जी, इसमें देवबंद के भायला गांव की ये घटना है जहां पर कि दो युवकों को गोली लगी। इसमें पुलिस ने छानबीन करने पर पाया कि यह सभी एक ही स्कूल के छात्र हैं, इंटर कॉलेज के छात्र हैं और इनमें आपसी रंजिश को लेकर आज सुबह झगड़ा हुआ जिसमें ये गोली चली थी और गोली लगी है। इसमें कुछ युवक पुलिस ने शिनाख्त किए हैं जो अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। जो दोनों मजरूब हैं उनमें से एक को पैर में गोली लगी है और एक को पीठ में लगी है। दोनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। दोनों को अस्पताल भिजवाया गया है इलाज के लिए। जो मजरूब हैं उनके परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम, चार पुलिस टीमें लगी हैं एसपी सिटी के नेतृत्व में। सर, हथियार कहां से उपलब्ध जाते हैं? जी, इसमें अभियुक्तों से पूछताछ की जाएगी गिरफ्तारी पश्चात कहां से ये शस्त्र आए और क्या इनकी आज योजना थी, किस प्रकार से ये घटना कारित की गई है, और इसमें दोनों पक्ष के युवकों से पूछताछ कर आगे कार्रवाई।